कहती हूँ ठीक होंगे आप लोग देख रहे हैं कि आज मैंने अपने भैया के कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि मेरा आज दिल कर रहा था। मैं ईशान के कपड़े प्रेस कर रही थी तो मुझे ये कपड़े अच्छे लगे उसके, तो मैंने पहन लिए और अम्मी ने कहा प्यारी लग रही है तो सोचा तुम्हारी वीडियो बना लूं। तो प्लीज आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं भाई के कपड़ों में कैसी लग रही हूँ। वो मुझसे छोटी है, 12 साल उनकी एज है और मेरी 15 साल, मुझे लगता है हाइट में वो मुझसे लंबे है इसीलिए। अम्मी मैं आपका बेटा लग रही हूँ आज तो? तुम तो वैसे ही मेरी बेटी हो, बेटी नहीं बेटा हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह पाक के करम और आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे 50,000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाले हैं। इस खुशी में हम सुबह केक काटेंगे और आप सबके प्यार और मोहब्बतों के हम शुक्रगुजार हैं। मुस्कान कर रही थी कपड़े भाई के प्रेस तो ये सूट कहने लगी कि अम्मी मैं पहनती हूँ, पहन कर देखूँ मुझे पूरा आता है। मैंने कहा हाँ पहनो, जब पहना तो इसने, इसकी 15 साल एज है और मेरे बेटे ईशान को तो आपने देखा उसकी 12 साल एज है। तो मुस्कान को आज शौक चढ़ा तो इसने अपने भाई की, ये देख सकती हैं आप नीचे जूते भी इसने अपने भाई के ही पहने हुए हैं। तो ये कपड़े पहनकर इतनी खुश थी ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर कर दूँ। कहने को भी बुलाते हैं और इन दोनों को इकट्ठे साथ खड़ा करते हैं, देखती हैं कि मुस्कान ज़्यादा प्यारी लगती है जेंट्स कपड़ों में या ईशान ज़्यादा प्यारा लगता है। बड़ी हमदर्दियाँ हो रही हैं भाई की, ईशान सोया हुआ था हमने उसे उठाया तो जल्दी से अपने भाई के बाल संवारने लगी। ये है जी मुस्कान जारा और ये मेरे सामने मेरा जो बेटा बहुत ही प्यारा बेटा बैठा है ईशान। नहीं तुम प्यारी नहीं हो मुझे, चलो दोनों खड़े होकर दिखाओ। मुस्कान ने तुम्हारे जो कपड़े पहने हुए तुम्हें जलसी नहीं हो रही है ईशान? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों बहन भाइयों के नसीब बच्चे करे और अल्लाह पाक आप सबके बच्चों के नसीब बच्चे करे। माशाल्लाह मुस्कान को आप देख सकते हैं अपने भाई के कपड़े पहनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही है। तो प्लीज़ आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि हमारी सपोर्ट करें ताकि हम अपना घर ले सकें। जो हमारे सब्सक्राइबर हमें दिल से प्यार और मोहब्बतें देते हैं अल्लाह पाक उन सबकी इज्जतें महफूज रखे और जो लोग हमारे ऊपर बातें करते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको अपने काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मुस्कान आज छेड़ो तो सही ईशान को, इसने तुम्हारे कपड़े पहने हुए हैं ईशान, जूती भी तुम्हारी पहनी हुई है इसने। मुस्कान वो देखो ईशान भाई के जूते पहने हुए इसने, वो बेचारा गर्मी में गर्म जमीन पे ऐसे ही खड़ा है। हाय अल्लाह हमदर्दियां जाग दिया पिया ने। देखो मुस्कान तुम तो ईशान से छोटी लग रही हो, हालांकि है बड़ी इससे, तो इससे छोटी लग रही है कद में। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को जो है ना अपने बच्चों के साथ आबाद रखे। तो मुस्कान कह दो अपने सब्सक्राइबर से कि हमारी सपोर्ट करें। ईशान की जेबें अभी खाली हैं, अभी ये कमाने लायक नहीं हुआ। वो वाकई पैसे नहीं मुस्कान, कितने पैसे निकले? ये है 100 और ये हो गया जी 200। ये मेरे पास 230 रुपए है, 40 क्या? अम्मी ये सुबह आपने जो 500 दिए थे, हाँ, ये उनमें से 200 की अजान की दवाई आई। अच्छा जी। 50 रुपए की अजान चीज खाई। अच्छा। और 10 रुपए मायरा ले गई। अच्छा। और कितने 300 बच्चे थे, 100 की बोतल ली मैंने, 100 की कुर्बानियाँ ली थी। देखें जी सारे पैसे मुस्कान जारा के पास ही होती हैं, बड़ी भाई घर की ये है, मैं बड़ी नहीं हूँ ये बड़ी है। अल्लाह पाक इसके नसीब बच्चे करे, माँ के घर से तो ये बड़ी है, अल्लाह पाक इसको अपने ससुरालियों के घर भी बड़ा बना कर रखे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए अल्लाह निगेबान।